रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स और जीएसटी के सॉफ्टवेयर के द्वारा टैक्स कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें ईमेल कर दीजिए taxhill@gmail.com पर। फ्रेंड्स, GSTR 3B और GSTR 2A में मिसमैच की वजह से यदि GST ऑफिसर इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करना चाहता है तो क्या उसे टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी देनी होगी हियरिंग के लिए? इसके ऊपर हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। फ्रेंड्स, केस के फैक्ट इस प्रकार है। GST ऑफिसर के द्वारा GSTR 3B और GSTR 2A में इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिसमैच की वजह से GST पोर्टल पर टैक्सपेयर का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर दिया जाता है। टैक्सपेयर का कहना है कि इसके लिए उसे कोई हियरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है और ना ही कोई रीजन ऑर्डर पास किया गया है। हाई कोर्ट ने इस केस में ये डिसीजन दिया है कि इस केस में GST ऑफिसर को टैक्सपेयर को हियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देनी होगी और उसके बाद रीजन ऑर्डर पास करना होगा। उसके बाद ही फ्रेंड्स GST पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ब्लॉक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि GST ऑफिसर टैक्सपेयर को बिना कोई अपॉर्चुनिटी दिए हुए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर देता है और टैक्सपेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ नहीं कर पाता है। उस केस में जजमेंट बहुत काम आ सकती है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।